Hello, bachon. So let's read the question. The question says, specialized epidermal cells surrounding the card cells are what? First option is complementary cells. Second option is subsidiary cells. Third option is villiform cells. Fourth option is lenticels. So the key concept for this question is stomatal apparatus. Stomatal apparatus. So stomatal apparatus may total three components होते हैं. सबसे पहला होता है स्टोमेटल अपर्चर. स्टोमेटल अपर्चर के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज होता है. सेकंड इज द गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स जो होते हैं दे एनक्लोज द स्टोमेटल अपर्चर. स्टोमेटल अपर्चर को ये सराउंड करते हैं, एनक्लोज करते हैं. मोर ओवर इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है. इनका जो आउटर वॉल होता है वो थिक होता है. आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है एंड इनर वॉल जो होता है वो थिक होता है. एंड देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. थर्ड आर द सब्सिडियरी सेल्स. These are basically the specialized epidermal cells. Cells present in the vicinity of the guard cells. So coming back to the question, question mein pucha hai ki स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स. सो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, दे आर सब्सिडियरी सेल्स. बुलीफॉर्म सेल्स आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स इटसेल्फ, बट दे आर प्रेजेंट अराउंड द मिड वेन. एंड लेंटी सेल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द रेज्ड पोर्स ऑफ द इन द स्टेम्स ऑफ द वुडी प्लांट्स. So the final answer for this question is option B. Hope you understood well. Best of luck.